हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है फ्राइडे फ्रेंड्स, मैं लग गई हूँ झटपट हमेशा की तरह लंच की तैयारी में और अपने ब्लॉग की भी शुरुआत आज फिर से हमेशा की तरह किचन से ही शुरू की है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बना रही थी, एक तरफ हमने राइस चढ़ा दिया था और आज मैं बनाने वाली हूँ कद्दू गोश्त। वही कद्दू जो हमारे गांव से आया था, आप लोगों ने दो दिन के पहले के ब्लॉग में देखा होगा, तो उस कद्दू का आज मैं कद्दू गोश्त बना दे रही हूँ, क्योंकि वो फ्रीज में रखा हुआ था ना फ्रेंड्स, तो वो सूख जाता तो फिर वो मजा नहीं आता। तो शैम आज फ्राइडे था, गोश्त लाए, तो मैं बोली मैं इसका कद्दू गोश्त बना देती हूँ। तो मैं जा रही थी लंच बनाने के लिए, तो शैम की फरमाइश आ गई कि मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ नाश्ता भी दे दो, और नाश्ते में उनको खाना था पास्ता। अब आप बताएं, मैं थोड़ी सी आज ये हो गई, मैं बोली कि आपको पास्ता खाना था तो पहले बोलते। एक तो ऐसे ही मैं आई हूँ हड़बड़ा करके लंच बनाने के लिए, फ्राइडे है, थोड़ा हड़बड़ी में सारा काम जाता है और फिर शाम में जाना है, फिर बच्चे आ जाएंगे ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है, फिर बीच बीच में मुझे ब्लॉग भी करना रहता है। आप कुछ ऐसा खाएं जो झटपट बन जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं पास्ता ही खाऊंगा। तो फिर क्या था, मैंने सारी चीज पास्ता में जो चीज पड़ता है, मतलब कटिंग वाला काम, उसको मैंने जल्दी जल्दी से इसके ऑनियन, ग्रीन चिली, टोमेटो सबको चॉप किया, गार्लिक को, और अभी बना रही हूँ पास्ता। इसकी रेसिपी हमने शेयर कर दी है फ्रेंड्स, और तो रेसिपी तो आप लोगों को इसका मिल ही गया है, तो आप लोग चाहे तो आप लोग भी बना के खा सकते हैं। टेस्टी तो होता है, बट ज्यादा नहीं खाना चाहिए, अनहेल्दी होता है, लेकिन शैम कहाँ मानते हैं, उनको जो चीज पसंद आ गया, टेस्टी लग गया, हेल्दी हो अनहेल्दी उससे कोई मतलब नहीं। और मसाला से उनका जो है ना इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, मतलब उनका बहुत जल्दी किसी भी चीज से वेट पुट ऑन नहीं होता। मेरा वाला हाल नहीं, मेरा तो ऐसा कि मतलब एक कहावत नहीं कि पानी पियो, हवा भी बदन को लगता है, वैसी मेरी इम्यूनिटी काफी वीक है, और इन दिनों तो फ्रेंड्स कुछ ज्यादा ही वीक हो रखी है, क्योंकि इन दिनों में जो थायराइड वगैरह भी बढ़ा हुआ है आप लोग जैसा कि जानते हैं। तो मैं सोच रही हूँ ना कि टेस्ट तो हमने करा के रख लिया है, लेकिन अभी तक डॉक्टर से उस रिपोर्ट को जाकर के रिपोर्टिंग करा के मैं मेडिसिन वगैरह ले ही नहीं पा रही हूँ। सो मैं जल्दी ही जाकर के मेडिसिन वगैरह लूंगी, उसके बाद फिर जब थायराइड की दवा खाऊंगी उसके साथ साथ डाइट करूंगी ना, तब मेरा बॉडी वेट कम होगा। फ्रेंड्स अभी क्या हो रहा है ना कि थोड़ा बहुत मैं कोशिश भी कर रही हूँ डाइट करने का, तो वो कुछ काम नहीं कर रहा, जिससे हो जा रहा मेरा मन बुरा और फिर मुझे करने का भी मन नहीं कर रहा। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ। तो कद्दू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमने कुकर में ऑयल ले लिया, उसमें हमने मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ फ्रेंड्स। दो सिनेमन स्टिक के टुकड़े डाले हैं, वो अच्छे से चटक गया है। हमने यहाँ पे ना तीन बड़े साइज के ऑनियन को स्लाइस कर लिया था, और ये वाला ऐसे तो आप देखते हैं मैं कद्दू ऐसे गोश्त बनाती हूँ तो सभी सारे मसाले ऑनियन और जिंजर गार्लिक पेस्ट सब इकट्ठे डालती हूँ, ए टू जेड मिक्स करके चढ़ा देती हूँ, सीटी लगा देती हूँ। लेकिन क्योंकि कद्दू गोश्त बना रही हूँ तो इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगी। इसमें क्या कम करूंगी फ्रेंड्स कि जितने ऑनियन मुझे डालने हैं उस सारे ऑनियन को ना ऐसे करके फ्राई कर लेना। अभी इसमें हमने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, इससे ना आपका जो ऑनियन है वो अच्छे से सॉफ्ट होकर के जल्दी से आराम से इजिली ब्राउन हो जाता है। तो आप लोग भी ज्यादा ऑनियन फ्राई करें तो ऐसे ही करें। अच्छा, ये ऑनियन को आपको अच्छे से गोल्डन डार्क ब्राउन करना है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी। आप ये बिल्कुल मत सोचेंगे कि ये जल जाएगा, ये बिल्कुल नहीं जलता है। हाँ, इस टाइम पे थोड़ा फ्लेम को लो कर देना है फ्रेंड्स। तो देखिए ऑनियन हमारा ब्राउन हो चुका था, अब इसी ऑनियन में मैं ऐड कर दूंगी जो हमारा रेड चिली पाउडर जो मैं डालूंगी गोश्त पे, और टर्मेरिक पाउडर सबको ऐड करके फ्रेंड्स। और आपको एकदम लो फ्लेम पे गैस को बिल्कुल कर देना, नहीं तो सब चीजें जल जाएगी। और बस हल्का सा दो बार घुमाना है, ऐसे करेंगे ना तो गोश्त जो आपका कद्दू गोश्त बनेगा उसमें टेस्ट और कलर दोनों बहुत अच्छा आएगा। तो आप लोग भी ऐसे जरूर छोटे छोटे स्टेप को जरूर फॉलो करना, इसकी बिल्कुल भी मत करना अगर मेरी तरह बनाना हो, वरना अगर आपको अपनी तरह बनाना हो तो अपनी तरह बनाए। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमने डाल दिया है जिंजर गार्लिक का बनाया हुआ हमारा जो पेस्ट था वो हमें डाल दिया, उसको डाल करके हल्का सा हमने पानी डाला है, और उसके बाद अच्छे से मैं इसकी अभी भुनाई करूंगी। तो इसको भुनने में आपको बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है फ्रेंड्स, जैसे हम हर मसाले को भूनते हैं जब तक जो हमारा जिंजर गार्लिक का कच्चापन होता है, सारे मसाले जो हम ऐड करते हैं उसका वो खत्म ना हो जाए, तब तक आपको अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। और अभी तो सर्दी आ गई है फ्रेंड्स, एक बार ना मैं और पम्पकिन गोश्त ऐसी बनाई थी यानी कद्दू गोश्त, तो कमेंट आया था कि क्या गोश्त में कद्दू भी पड़ता है, ये कैसा टेस्ट में होता है। मतलब बहुत सारे लोग गांव में तो ये बहुत बनता है, खास करके सर्दियों में कद्दू का भी सीजन होता है फ्रेंड्स, तो सर्दियों में गाँव में तो ये समझिए तो आए दिन का ये खाना ही होता है, सब्जी ही होती है, अगर गोश्त आया कद्दू डाल दो, गोश्त आया नेनुआ भी मैं डाल के बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, जो लोग नहीं कभी खाए हैं ना मतलब कद्दू गोश्त बना करके, वो मेरे कहने पे एक बार जरूर ट्राई करें। अच्छा फ्रेंड्स, मसाले में हमने फिर से सॉल्ट डाला है, क्योंकि अब ये मसाला गोश्त जाएगा ना फ्रेंड्स, तो सॉल्ट अच्छे से डाल दें। उसका दो हमने बेली लीफ को ऐड कर दिया, ये भी जरूर ऐड करें, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी गोश्त में। उसका हमने मसाले को उस तरफ अच्छे से भुनने के लिए फिर से अगेन छोड़ दिया, और इस तरफ से ना मैं कद्दू को कट कर ले रही हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे कद्दू को का सफाई करने में टाइम लग गया था, उसका रीजन ये था फ्रेंड्स कि कद्दू में ना मोटे मोटे बीज थे, तो फिर मैंने क्या काम की ना कि फिर वो बीज जो है ना ग्रेवी में जाके वो दिखते हैं, तो दिखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं और खाने में भी मुंह में आता है ना, तो वो बहुत
बहुत अजीब लगता, तो सारे को मैंने ना पहले बीज को निकाला, उसके बाद धुल करके कट कर लिया कद्दू को। अच्छा, यहाँ मसाला हमारा भुन चुका था फ्रेंड्स अच्छे से, अब उसमें मैंने डाल दिया गोश्त। गोश्त को डाल करके आप अच्छे से भुने। अच्छा, एक गोश्त अगर उस टाइप का हो तो एक दो सीटी लगा ले, बट ये गोश्त देखने में इतना सॉफ्ट था ना, तो मैंने सीटी नहीं लगाया, क्योंकि पता चला कद्दू डाल के फिर सीटी लगाती ना तो गोश्त का हलवा ही निकल जाता, और तो इसलिए मैंने स्किप किया। देखिए गोश्त हमारा अच्छे से भून चुका है फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही बिना विसल्स लिए हुए ऐसे ही भून लूंगी गोश्त को। जो गोश्त से पानी निकला था उसी पानी से मैं भूनूंगी, एक्स्ट्रा पानी नहीं डालूंगी। तो ये यहाँ पे देखिए गोश्त हमारा अच्छे से भून चुका है फ्रेंड्स। अब इसमें जो सारे पम्पकिन हमने कट करके रखे हुए थे उसको ऐड कर देना। पानी आपको बिल्कुल भी अभी नहीं डालना फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो पम्पकिन अभी गया ना इससे भी काफी पानी रिलीज होगा, और इसी के साथ कद्दू और यही पम्पकिन जो भी बोले, इसको कद्दू बोला जाता, बहुत कोई कद्दू नहीं समझेंगे इसलिए मैं पम्पकिन भी बोल दे रही हूँ। तो इस गोश्त के साथ इसकी अच्छे से भुनाई आपको बहुत पेशेंस रख के करना पड़ेगा। आपको क्या कम करना होगा फ्रेंड्स कि हाई फ्लेम पे ही भुनाई अभी करें आप, क्योंकि जो है ना ये जल्दी भुन जाएगा। अच्छा, वो गांव से ही जो धनिया पत्ती आई थी तो उसमें ना वो उसकी डंटी बड़ी बड़ी थी, तो मैं कभी भी धनिया पत्ती मार्केट से यहां से भी मंगाती हूँ ना फ्रेंड्स, तो उसका डंटी को मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करती हूँ। सब्जी बनाती हूँ या कुछ भी बनाती हूँ तो उसके पत्ते का जो एरिया उसको मैं रख लेती हूँ लास्ट में डालने के लिए, उसका डंटल जो होता है उसको मैं चॉप करके ना डाल देती हूँ। आप ऐसा करें तो क्योंकि उसके डंटल में ना बहुत अच्छी सी खुशबू होती है, तो मैं ना कभी स्किप नहीं करती हूँ। तो डाल करके हमने अच्छे से भुनना शुरू कर दिया। यहाँ पे मैं अब ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर और क्यूमिन सीड का पाउडर जो मैं घर में बना करके भून के रखती हूँ, वो हमने ऐड कर दिया है। और सॉल्ट भी यहाँ पे थोड़ा मैंने टेस्ट किया था तो सॉल्ट भी थोड़ा कम लग रहा था, फिर से हमने ऐड कर दिया है। और यहाँ पे देखिए अच्छे से हमारा कद्दू भून चुका है फ्रेंड्स। हाँ, एक और कमेंट आया था कि आप ना, मैंने जो गोश्त में गरम मसाला दिखाया था डालते हुए, कि आप ना उसकी रेसिपी बताएं क्या क्या आप डालती हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी गरम मसाला बनाऊंगी ना घर में, तो मैं अभी तो बना हुआ मेरा काफी लंबा चलेगा फ्रेंड्स, लेकिन जब बनाऊंगी तो इंशाल्लाह मैं जरूर शेयर करूंगी। तो यहाँ पे कद्दू गोश्त हमारा एकदम अच्छे से भून चुका था फ्रेंड्स, बहुत अच्छी सी भुनने की उसमें से खुशबू आ गई थी। तो लास्ट टाइम फिर से मैं एक बार सॉल्ट टेस्ट कर रही हूँ, तो सॉल्ट बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया, क्योंकि इसमें वेसल्स ले रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो थोड़े से पानी जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़े जाएंगे। तो इतना पानी हमने डाल दिया, और अब इसमें क्या कम करना, अच्छे से ऐसे मैं घुमा देती हूँ ना, ताकि इधर उधर जो भी मसाले लगे हुए हैं वो सारे मतलब वहां से हट जाए। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, ढक्कन लगाना है फ्रेंड्स। मैं ढक्कन लगा करके इसमें 4 विसल्स लूंगी और मैं हमारा कद्दू गोश्त, पम्पकिन गोश्त जो भी बोले वो बनके हो जाएगा रेडी। उस तरफ हमारी राइस भी हो गई है। तो गोश्त में यहाँ पे 4 सीटी लग गया था फ्रेंड्स, और अब मैं इसे खोल के आप लोगों को दिखा रही हूँ। देख रहे हैं आप इसका लुक कितना अच्छा रहा। अब इसमें लास्ट में सिर्फ आपको क्या करना है फ्रेंड्स, गरम मसाले जो मैं बना के रखती हूँ वो ऐड करना ऊपर से, और हल्का सा ना मैं इसमें क्योरा वाटर ऐड की हूँ। आपको ये थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि क्योरा वाटर गोश्त में, कद्दू गोश्त में, लेकिन ट्रस्ट मी, आप एक बार मेरे कहने से जरूर बनाए मतलब ऐसा करें। मैं बार बार वही बात बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब इसकी खुशबू, इसका टेस्ट इतना ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो एकदम दावतों वाला खाना खाने जैसा खुशबू इससे आएगा। तो धनिया पत्ती चॉप करके हमने डाला हुआ था वो हमने ऐड कर दिया, ढक्कन लगा दिया। अब जब खाऊंगी तब मैं मतलब उसको निकाल खोलूंगी। और यहाँ पे फ्रेंड्स मुझे लग रही थी भूख, क्योंकि पास्ता बना के सारा मैंने शाम को दे दिया था, उस टाइम मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी। तो मैं सोची कि अभी थोड़ा ये करने से पहले मैं थोड़ा सा पॉपकॉर्न बना के खा ले रही हूँ, वही खाने का मेरा मन करा तो वो खाया। फिर मैं नमाज वगैरह सारे से फारी होकर के उसके बाद लंच पे आ रही हूँ। हाँ, नहा मैं सुबह सुबह ही उठ के ली थी, तो अब नमाज वगैरह पढ़ के फारी हो गई हूँ, शाम भी आ गए नमाज पढ़ के। तो अब हम लोग आ गए हैं लंच पे, मतलब मैं सिर्फ शाम तो कब का कर चुके हैं, मैं पॉपकॉर्न खा ली थी ना, तो थोड़ा सा हमने ना लेट से लंच किया था। लंच करके जैसे ही फ्री हुई हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्यूशन के बच्चे भी आना शुरू हो गए। देखिए गेट नॉक हुआ और बच्चे आना शुरू हो गए, और अब हो रहा है यहाँ पे ईशा का बाद हो रहा है। मैं ईशा का नमाज पढ़ के ही वहां गई थी फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं ना मतलब तैयार होकर के गई थी। मैं आसिया हम लोग 3-4 लोग मिल करके आए थे, मतलब मेरे स्टूडेंट जो है मेरी उसके साथ आए, तो उन लोगों को भी दावत था, तो हम लोग सब गए थे। यहाँ पे हल्दी का रस्म शुरू हो चुका है। यहाँ पे जो दुल्हन थी यानी कि फातिमा, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, तो यहाँ पे मुझे भी रोना आ रहा था उसको रोते देख करके। बट कोई बात नहीं, हर लड़की की ज़िंदगी में ये पल, ये मौका आता है, और खुश नसीबी से आता है। तो ये बहुत अच्छा और मज़ा बहुत आ रहा था। यहाँ मैं काफ़ी कंफर्टेबल थी, क्योंकि यहाँ जो भी फातिमा की पूरी फैमिली जो भी थी सब हमसे अच्छे से क्लोज है, तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं फील हो रहा था कि मैं नई जगह आई हूँ। मैं आराम से वीडियो भी कर रही थी जितना हो सका, मुझसे बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग हल्दी लगाने के लिए सब चीज़ों के लिए मुझे यहाँ पे मुसरत आपी सामने जो खड़ी हैं दुल्हन के सर पे हाथ रखे हुए, वो भी हमारी फ्रेंड है, तो वो जो है ना
मुझे जबरदस्ती हाथ खींच करके ले गई। मैं नहीं जा रही थी कि वीडियो कैमरा हो रहा है तो मुझे जाना समझ में नहीं आया, बट वो जबरदस्ती करके हाथ खींच करके ले गई। तो मैंने दुल्हन को चुमाया, सॉरी हल्दी लगाया, उसके बाद सारे फैमिली के साथ सबके साथ हम लोगों का वीडियो वगैरह हुआ। उसके बाद यहाँ हो चुका अच्छा खासा रात फ्रेंड्स, और अब मैं चली जाऊंगी। अभी जस्ट फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ क्योंकि मुझे ना थकान थकान सी हो रही थी। और फ्रेंड्स वहां अभी मैं पूरा ये विंडो तो ऐसे बंद ही रहता है, लेकिन ये रूम का गेट वगैरह सब बंद करके जल्दी से आपसे लोगों से बातें कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी 2 मिनट के लिए बस बॉक्स अभी जस्ट बंद हुआ है, क्योंकि ये सामने हमारी जो बिल्डिंग उसके सामने ही शादी है, फातिमा का घर है उसी में शादी है, और छत के ऊपर ना सब डांस वगैरह चल रहा है तो बहुत लाउड एकदम होकर के स्पीकर वगैरह बज रहा है। और मुझे भी मुझसे आप लोग जिद कर रही थी रुकने के लिए, मगर मैं शैम की वजह से चली गई, और शैम की वजह से भी कल फिर शादी में भी जाना है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, तो रात में अगर जाग के फ्रेंड्स बहुत हैरेसमेंट कर लेती तो फिर कल के काम में किसी भी चीज में अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं चली आई। हालांकि वो बोल के आई है कि मैं फिर आपको रात में लेने आऊंगी, अभी डांस वगैरह शुरू हो गया, आज पूरी रात डांस होगा, तो उसी को देखने के लिए मैं बोली डांस देखने के चक्कर में रही फ्रेंड्स, तो कल का फंक्शन मैं नहीं अटेंड कर पाऊंगी, नाजिया की कल बारात है उसमें जाना, उसकी शादी है, बारात आएगी, तो बस यही था फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स मैं ना वहां चली गई तो मैं पता ब्लॉग का पूरा काम अपलोडेड वगैरह सारा चीज कर ली, थंबनेल वगैरह टाइटल सब कर ली, और वो जो है ना अनलिस्टेड करके अपलोड हम लोग करते हैं वीडियो को, तो वो करना मैं भूल गई। अब मुझे ना एक जरा जहन में नहीं था, मुझे क्या लगा ना फ्रेंड्स कि मैं ना मतलब 6 बजे का जो टाइमिंग देती हूँ शेड्यूल वो भी मैंने कर दिया, ये सोच के मैं बिंदास अपना वहां एकदम अच्छे से अपना मजे कर रही हूँ, इसमें हल्दी फंक्शन में सारा चीज कर रही हूँ। तो जब घर आई हूँ अभी जस्ट, तो मैंने देखा ऐसे फोन ऑन करके कि देखती हूँ क्या कमेंट आया नहीं आया, तो देख रही हूँ एक कमेंट आया, उन्होंने कहा कि नगमा आपका ब्लॉग क्यों नहीं आया, आपने तो कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि ब्लॉग आएगा बट अभी तक आपका ब्लॉग नहीं है। मैं बोली हाँ ब्लॉग नहीं आया, तब जल्दी से मैं जाकर के जो है ना YT में कि मैं इसमें जाकर के अपने ब्लॉग को चेक की, तो बोली अल्लाह मेरे से कितना बड़ा मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स। फिर जल्दी से मैं ना पब्लिश की हूँ ब्लॉग को अभी जस्ट, तो ब्लॉग आप लोगों को मिल गया होगा, आप लोग देख रहे होंगे फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स ब्लॉग जो हमारा गया उसमें ये कमेंट आया कि आप ना मांग में ये जो कलर लगा के वो क्या लगा के, तो फ्रेंड्स यहाँ मतलब किसके अभी तक तो मैं ज्यादा हल्दी वगैरह का फंक्शन अटेंड नहीं की हूँ, लेकिन जो है ना ये नाजिया के यहाँ भी गई हूँ, तो यहाँ होता है कि जैसे ही लड़की को हल्दी वगैरह लगता है तो जितनी शादीशुदा लेडीज है सबके जो है ना मांग में वो सिंदूर भी नहीं रहता फ्रेंड्स, सिंदूर टाइप का वो कलर रहता वो भरा जाता है। और नाजिया की शादी में भी मैं बहुत मना कर रही थी, तो उसकी शादी में तो सब और जीत पड़ गई कि आप तो मैं आपको तो और ज्यादा लगाएंगे, बोल के भर के वो उन लोगों ने लगा दिया था। हालांकि मैंने बहुत सारा साफ कर लिया था फ्रेंड्स, और फिर गलती से ब्लॉग में आ गया, अब मुझे लगा मुझे जहन नहीं था कि हाँ आ गया होगा। और आज जैसे यहां गई हूं तो यहां मुसाद आपी को पता मना कर करके थक गई, जब सिंदूर सबको वो लगा रही थी कि मुसाद आपी प्लीज मुझे मत लगाइए वो कलर जो भी हो सिंदूर हो जो भी हो, लेकिन वो बोली कि नहीं थोड़ा सा भी ये रस्म है आपको लेना पड़ेगा, तो हल्का सा उन्होंने यहाँ पे लगाया था फ्रेंड्स। तो अभी आकर के मैं वहां जस्ट सबसे पहले ब्लॉग करने से पहले ना मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के पानी से टॉवल गीला करके और उसको अभी अच्छे से क्लीन की हूँ उसके बाद, और हल्दी तो अभी यही है। और वहां बहुत ज्यादा थक गई फ्रेंड्स, जाने के बाद कंटिन्यू खड़ी, क्योंकि मैं जितना आप लोगों से ब्लॉग जो आप लोगों से शेयर की हूँ फ्रेंड्स वो थोड़ा बहुत जो मैं शूट की हूँ उसके बाद कंटिन्यू ये हुआ फोटो शूट वगैरह और कैमरा वगैरह हो रहा था, तो फातिमा चाह रही थी कि मैं उसके साथ वीडियो वगैरह में आऊं, तो मैंने ये फोन जो है ना अपना आशिया को पकड़ा दिया था, आशिया वो लोग भी मेरे साथ ही गई थी यहीं आई थी, उसको हमने रेडी किया, सूट मैंने नहीं किया था फ्रेंड्स क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा मतलब ट्यूशन जस्ट पढ़ा के उठी, फिर रेडी होकर के वहां जाना, शाम को चाय नाश्ता दे के जाना, तो बहुत ज्यादा उलझ गई थी। फिर फातिमा सुमैया और आसिया सब आ गई थी, और जो है ना ये जुबैरिया सब सबको रेडी भी मैंने किया है, मतलब सबका मेकअप वगैरह किया, उसके बाद फिर उन लोगों के साथ गई हूँ, तो उन सब चीजों में अच्छा खासा शायद आवाज जा रही होगी फ्रेंड्स, तो कहीं ना कॉपीराइट आ जाए, इसलिए मैं ब्लॉग को जल्दी से खत्म करूंगी। तो फिर वहां जाकर के ना ज्यादा ब्लॉगिंग वगैरह करने का मेरा मन नहीं किया, कहना बस यही था, तो मैंने आसिया को फोन अपना पर्स पकड़ा दिया था और मैं आराम से थोड़ा इंजॉय की, सब लोग थे सबसे बातचीत में मजा आया। तो चलिए फ्रेंड्स अब मतलब आवाज जा रही होगी क्योंकि इतना लाउड अभी भी मुझे बहुत तेज आ रहा है, तो हालांकि मैं जोर से अभी बोल रही हूँ ताकि मेरी आवाज के जरिए वो दब जाए। तो चलिए फ्रेंड्स आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाए, हमें ढेर सारा प्यार दे, अपनी दुआओं में याद रखें, मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।